सरकार ने कोरोना वैक्सीन और कोविड के खिलाफ जंग से जुड़े सामानों पर जीएसटी घटाने का ऐलान किया है। बेशक फैसला राहत भरा है, बेशक तीसरी लहर की आहट के बीच इसे एक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन क्या अगर इसे दूसरी लहर के चरम पर इस तरह का फैसला लिया गया होता तो अच्छा नहीं होता? क्या सरकार ने बहुत देर नहीं कर दी? अगले एक घंटे में बहस इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए जीएसटी काउंसिल की बैठक में कहां कहां राहत का किया गया है ऐलान। दिलों को झकझोर देने वाले इस मंजर को भला कौन भूल सकता है? महामारी की मार से तड़पते मरीज, ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ते बीमार, बेशक कोरोना की दूसरी लहर दिनों दिन सुस्त पड़ती जा रही है, रोजाना नए मामले कम होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों पुराना वो वक्त अब भी डराता है जब जिंदगी बचाने के लिए जरूरी दवाओं और मेडिकल उपकरणों के लिए लोग मारे मारे फिरते थे। हालांकि सरकार ने अब कोरोना वैक्सीन और कोविड को हराने के लिए जरूरी सामानों पर जीएसटी को घटाने का ऐलान किया है। जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी बरकरार रहेगा। रेमडेसिविर दवा पर जीएसटी 12% से घटाकर अब 5% कर दिया गया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, वेंटिलेटर, कोविड टेस्टिंग किट और ऑक्सीमीटर पर भी जीएसटी 12% कम करके 5% कर दिया गया है। हैंड सैनिटाइजर और थर्मामीटर पर जीएसटी की दर 18% से कम करके 5% कर दी गई है। एम्बुलेंस पर जीएसटी रेट 28% से कम करके अब सिर्फ 12% हो गया है। तीसरी लहर के आने की आशंका से पहले सरकार का ये काफी अहम फैसला माना जा रहा है। There are four categories: medicines, oxygen generation equipments, testing kits and other machines. Fourth, other COVID-related relief material. So the taxes on these were considered, and GUM suggested altering the rates. In none of them has the GOM recommended for an increase in the rates, existing rates or further bring them down. जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक बड़ा फैसला ये भी रहा कि ब्लैक फंगस महामारी की जरूरी दवा पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। टोसिलीजुमैब और एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन पर अब जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। The electric furnaces which are used in the crematoriums, the GOM had recommended 12%. We, after the discussion in the council, have brought it down further to 5%. Then temperature checking equipments, the GOM recommended 18%. After discussion in the council today, we are bringing it down to 5%. And the third item, which is the ambulances, we thought even ambulances should be brought down. So the GOM's recommendation of 28 for the ambulance has been brought down to 12%. बेशक सरकार ने कोरोना महामारी पर वार के लिए जीएसटी काउंसिल की बैठक में राहत भरे फैसले लिए हैं, लेकिन इन फैसलों की टाइमिंग पर कई सवाल भी पैदा होते हैं। क्या सरकार ने जीएसटी टैक्स पर फैसला लेने में काफी देर नहीं कर दी? दूसरी लहर जब चरम पर थी तब सरकार ने जीएसटी घटाने का राहत भरा निर्णय क्यों नहीं लिया? जब रेमडेसिविर की कीमत और कालाबाजारी आसमान पर थी तब सरकार क्यों नहीं जागी? जब ऑक्सीजन सिलेंडर और एम्बुलेंस की मनमानी कीमत वसूली जा रही थी तब जीएसटी काउंसिल ने आपात बैठक बुलाकर फैसला क्यों नहीं लिया? हालांकि जीएसटी घटाने के फैसले को सरकार तीसरी लहर से पहले राहत भरी तैयारियों से जोड़कर पेश कर रही है। आगे के लिए ये अच्छा भी है, लेकिन दूसरी लहर में जिन्होंने परेशानियों को झेला उनके लिए सरकार की जवाबदेही भी कहीं ना कहीं बनती है। आज तक ब्यूरो। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा दे।